जन अधिकार पार्टी लोक के युवा जिला अध्यक्ष विशंबर यादव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव व जिला प्रवक्ता शुभम सिंह पहुंचे कुशेश्वर स्थान। वहां दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष योगी चौपाल एवं कुशेश्वर पूर्वी के प्रखंड अध्यक्ष आदित्य कुंवर सिंह जीवज यादव जी के संयुक्त नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में आगंतुक अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। वहां से नाव पर सवार होकर कुशेश्वर स्थान उत्तरी नगर पंचायत के वहीरा वार्ड नंबर 3 महादलित टोला पहुंचे, जहां पिछले 15 दिनों से बाढ़ राहत कैंप चल रहा है, उसका निरीक्षण किए एवं लोगों के बीच खाना वितरण भी किए। खाने वाले में करीब 500 की संख्या में पब्लिक थे। मीडिया को संबोधित करते हुए युवा जिला अध्यक्ष विशंबर यादव ने कहा कि इस क्षेत्र से मसीहा पप्पू यादव जी को बहुत लगाव है, वे हमेशा यहाँ के लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। राजनीतिक कुचक के तहत पप्पू यादव जी को जेल में बंद रखा गया है ताकि वे जनता की सेवा नहीं कर सके, लेकिन पप्पू यादव जेल में बंद करके उनकी राजनीति को दबाया नहीं जा सकता है। वे जेल में भले हैं परंतु उनका सेवा जारी है, जिसका प्रमाण कुशेश्वर के उत्तरी नगर पंचायत पश्चिमी में दिखाई दे रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव ने कहा कि बाढ़ कुशेश्वर स्थान के लिए अभिशाप है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले नेता यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं, जन समस्या पर कोई बात नहीं करते। यहाँ के लोग वर्ष में 6 महीने बाढ़ की समस्या के काले पानी की सजा की तरह काटते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि कुशेश्वर स्थान में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की व्यवस्था करे एवं इस क्षेत्र को विशेष बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बनाने की घोषणा करे। योगी चौपाल ने कहा कि हमारे नेता जेल में है, फिर भी हम पब्लिक सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। सरकार पप्पू यादव जी को जेल में बंद करके गरीबों को बेसहारा कर दिए हैं, बिहार की जनता सब देख रही है। शुभम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाढ़ के कारण पप्पू यादव जी को रिहा नहीं होने दे रहे, क्योंकि पप्पू यादव बाहर रहेंगे तो बाढ़ पीड़ितों को बीच जाकर सरकार की नाकामी से पर्दा करेंगे। मौके पर जिला उपाध्यक्ष हीरा सैनी, युवा प्रखंड अध्यक्ष जीवज यादव, प्रखंड सचिव अमरजीत चौपाल, प्रखंड उपाध्यक्ष बबलू पोदार, शोभा राय, मांगनी चौपाल, संतोष चौपाल, हरेराम यादव, संतोष यादव, विद्यानंद यादव, मोहम्मद एहसान, जीवज हजारी, मुरारी पासवान सहित दर्जनों लोग थे। सेवा का दूसरा नाम है पप्पू यादव, और पप्पू यादव का राजनीतिक उद्देश्य है लोगों का सेवा करना। वह जाति धर्म से ऊपर उठ के आज बिहार में आप देखते होंगे, कोरोना हो, चमकी बुखार हो या पटना की बाढ़ हो, अभी पूरे बिहार बाढ़ की तदाशी से झेल रही है। हर जगह पप्पू यादव और पप्पू यादव के सिपाही हैं, और पप्पू यादव निस्वार्थ भावना से लोगों को सेवा करने का काम करते हैं। सत्ता का खेल तो पक्ष और विपक्ष खेलते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन उनके विधायक और मंत्री दोबारा क्षेत्र में नहीं देखने के लिए आते हैं कि हमारे क्षेत्र के जनता का किस स्थिति में है और क्या हाल है। आप देख सकते हैं कुशेश्वर स्थान पूरे चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन सरकार के एक भी नुमाइंदा यहाँ पे आज तक नहीं पहुँचे। इस दलित बस्ती के लोग देख लीजिए, दाने दाने के लिए मोहताज है। और जब पप्पू यादव को इस बात की जानकारी किसी माध्यम से अपने स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से मिला, तो जो पप्पू यादव यहाँ के जनता के लिए देवदूत बनकर आए हैं, और 15 दिनों से सूखा राशन के साथ साथ आज फिर खाना बना के कभी दाल भात चावल दाल सब्जी कभी पूरी कचौरी खिलाने का काम कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं पूर्वी प्रखंड में बहेरा गांव में, तो यहां पे आप लोग भोजन बाढ़ राहत सामग्री बांट रहे हैं, कैसा लग रहा है ये सेवा? ये हम लोग के नेता के डेली वर्क में, हमारे ये दुर्भाग्य है कि हमारे नेता आज जेल में बंद है, और वो जेल में बंद है इसलिए बिहार की गरीब जनता उपेक्षित हो रहे हैं, और ये सरकार की साजिश है। हम लोग से जो बंद पड़ रहा है, हम लोग जनता के बीच हैं, हमारे नेता का निर्देश है कि जहां कहीं भी बाढ़ है वहां जाइए। आज पिछले 15 दिन से यहां बाढ़ राहत कैंप चलाया जा रहा है, आज 16वें दिन हम लोग निरीक्षण के लिए आए थे, खाना बन के तैयार था, तो हम लोग जो है सो यहाँ वितरण किए हैं, और यह सेवा करके हमारे नेता का जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं हम लोग उसमें अपने आप को सटीक मानते हैं कि नहीं, हमारे नेता का जो आइडियोलॉजी उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। पप्पू यादव की ओर से तो पप्पू यादव के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे मतलब खाना वितरण कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक।
और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।